नमस्कार, मैं जगदीश पारेख हिंदी व्याकरण शास्त्र के अंतर्गत समास के पांचवें सत्र में समास के भेदों के अंतर्गत तत्पुरुष समास के बारे में चर्चा करूंगा। तब उसका पुरुष यानी आदमी शाब्दिक अर्थ हो गया तत्पुरुष का उसका आदमी। इस समास में तत्पुरुष समास में उत्तर पद की प्रधानता होती है। ये पूर्व पद है और ये बाद वाला उत्तर पद। प्रधान ये होगा तत्पुरुष समास यदि हमें देखना है उत्तर पद की ओर लक्ष्य करना होगा। उत्तर पद विशेष्य का कार्य करता है। विशेष्य जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताई जाती है अतः वह पूर्व पद विशेषण पर निर्भर रहता है और पूर्व पद विशेषण की भांति नॉट मैंगो लाइक ए मैंगो आम की तरह विशेषण की तरह कार्य करता है। इसलिए विशेष्य उत्तर पद पूर्व पद विशेषण पर आश्रित निर्भर रहता है। तत्पुरुष समास में कर्ता तथा संबोधन कार्यों कारक के सत्र में हमने सभी कारकों के बारे में विस्तार से चर्चा की थी। कर्ता तथा संबोधन कर्ता और संबोधन कारकों को छोड़कर अर्थात इन दो कारकों का प्रयोग नहीं किया जाता। किसी न किसी कारक विभक्ति का लोप होता है। कोई ना कोई कारक चिन्ह लुप्त होगा। सही कारक चिन्ह को बीच में रख देने पर तत्पुरुष समास के समस्त पदों का विग्रह हो जाता है। नॉट नियर नॉट नियरर व्हेन यू विल अप्लाई द नियरेस्ट केस साइन पदों के बीच में इन बिटवीन तो डिस्ट्रक्शन ऑफ कंपाउंड समास का विग्रह हो जाएगा। शब्दगत प्रक्रिया के आधार पर वो अलग अलग हो जाएंगे। तत्पुरुष समास में लिंग व वचन का निर्धारण उत्तर पद के अनुसार किया जाता है। उत्तर पद यदि पुल्लिंग है तो समस्त पद पुल्लिंग होगा। स्त्रीलिंग है स्त्रीलिंग होगा। एक वचन है एक वचन होगा। बहुवचन है बहुवचन होगा। आइए हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। उदाहरण के लिए एक शब्द लेते हैं राजकुमार। यहां पूर्व पद राज है यह कुमार है। पूर्व पद उत्तर पद विशेष्य का और पूर्व पद विशेषण का कार्य करता है। विशेषण का कार्य करता है विशेष्य। विशेषण वाले सत्र में हमने चर्चा की थी जिस संज्ञा तथा सर्वनाम की विशेषता बताई जाती है ये पद इस विशेषण पर निर्भर रहेगा। और यहां मध्य में सही कारक चिन्ह का प्रयोग करना। सही कारक चिन्ह का परसर्ग का विभक्ति का समास का विग्रह हो गया। तो दो कारक चिन्ह कर्ता और संबोधन इन कारकों का प्रयोग नहीं होता तो तत्पुरुष के भेद कितने हो गए। करण तत्पुरुष या द्वितीय तत्पुरुष द्वितीय विभक्ति में आता है। करण तत्पुरुष या तृतीय तत्पुरुष चतुर्थी तत्पुरुष या संप्रदान तत्पुरुष पंचमी तत्पुरुष या अपादान तत्पुरुष षष्ठी तत्पुरुष या संबंध तत्पुरुष और सप्तमी तत्पुरुष या
अधिकरण तत्पुरुष, छह भेद हो गए तत्पुरुष के। सही कारक चिन्ह यहां बीच में लगा दीजिए, समास का विग्रह हो जाएगा। यहां राजा को कुमार, राजा से कुमार, राजा द्वारा कुमार, राजा के लिए कुमार, राजा में कुमार, राजा पे कुमार, राजा से कुमार, राजा की कुमार, राजा के कुमार या राजा का कुमार। सही कारक चिन्ह है राजा का कुमार। और ये समास तत्पुरुष तो है, विभक्ति चिन्ह है, तत्पुरुष में भी ये कौन सा तत्पुरुष है? संबंध तत्पुरुष जनकी। एक बार एक राजा के राजकुमार थी या था, कुमार शब्द स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग? पुल्लिंग, इसलिए क्रिया भी पुल्लिंग होगी, थी नहीं था। एक वाक्य लेते हैं, जलधारा बह रही है। यहां मैं सही कारक चिन्ह लगाना है। जल धारा, जल से धारा, जल में धारा, जल के लिए धारा या जल की धारा, जल की धारा। यहां धारा का संबंध जल से है या बह रही है? बह रही है, इस क्रिया के साथ है। आप देखिए, धारा स्त्रीलिंग है, इसलिए जल धारा बह रहा है या बह रही है? धारा स्त्रीलिंग है, इसलिए बहना भी क्या हो गया? स्त्री हो गया। हमने अंतिम चर्चा की तत्पुरुष समास में लिंग और वचन का निर्धारण उत्तर पद के अनुसार किया जाता है। उत्तर पद यदि पुल्लिंग है तो क्रिया भी पुल्लिंग, उत्तर पद यदि स्त्रीलिंग है तो क्रिया भी स्त्रीलिंग होगी। आइए नए उदाहरणों से किस समस्त पद में, सामासिक पद में, समास युक्त शब्द में कौन सी विभक्ति, कौन सा परिसर्ग लग सकता है, लगाया जा सकता है। नए नए उदाहरणों से हम तत्पुरुष समास को समझने का प्रयास करते हैं। उदाहरण क्या हम लेते हैं, गगन चुंबी, गगन में चुंबी या गगन को चुंबने वाली, गगन को चुंबने वाली, कर्म को, कर्म तत्पुरुष। यहां देखिए सेनापति, सेना में पति या सेना का पति? सेना का पति, सेना में कोई पति नहीं होगा, पति यानी स्वामी, सेना का पति, सारी सेना उसकी कमान में, उसके अधिकार में रहती है। इसी तरीके पर बनने वाला राष्ट्रपति, राष्ट्र का पति, फर्स्ट सिविलियन, पहला नागरिक हमारे भारत देश में, राष्ट्र का पति। लखपति, लाख, लाख का पति, लाखों का पति, लाखों रुपए की जो संपत्ति है उसका स्वामी है। आइए जेब कतरा, जेब में कतरा या जेब से कतरा? सही कारक चिन्ह यहां क्या होगा? सही कारक चिन्ह होगा जेब को कतरने वाला, जेब को काटने वाला। यहां देखिए चिड़ी मार, चिड़ी को, एक चिड़ी को मारते ही या चिड़ियों को, चिड़ियों को मारने वाला बहेलिया,
पेशा होता है जिसका। प्रतिदिन जंगल में जाकर चिड़ियों का शिकार करता है और उनका मांस बाजार में बेचकर अपनी आजीविका चलाता है। कर्म तत्पुरुष, आइए कर्म तत्पुरुष की बात करते हैं। हस्तलिखित, यहां विग्रह हो जाएगा हाथ से या हाथ द्वारा लिखित। किसी प्रकार सूची भेद्य है, देखिए ये सूची पवित्र सूची नामावली या लिस्ट और सूची सुई। सूची भेद्य है, सुई से या सुई द्वारा भेजा गया या भेजा हुआ। तुलसी कृत रामचरित मानस संपूर्ण संसार में प्रसिद्ध है। तुलसी कृत यहां होगा तुलसी द्वारा या तुलसी से कृत। कर्ण तत्पुरुष, गौशाला गायों की शाला या गायों के लिए सही कारक चिन्ह कौन सा है? गायों की कोई शाला नहीं हो सकती। शाला यानी भवन, चूने का हो सकता है, सीमेंट का, पीओपी का, बजरी। गायों के लिए गायों के लिए शाला। संप्रदान चतुर्थी तत्पुरुष गायों के लिए शाला। आप यहां देखिए बिजली घर, बिजली का घर या बिजली के लिए। बिजली का कोई घर नहीं होता, बिजली के लिए घर। इसी प्रकार यहां कहते हैं पदच्युत, पद से च्युत टर्मिनेट सस्पेंड मुक्त कर देना। पद से च्युत, रिश्वत के आरोप में चल रहा है विभाग के अधिशासी अभियंता को पद च्युत कर दिया गया, पद से च्युत। आप देखिए अपादान अलग हो गया, देश निकाला, देश से निकाला, देश से अलग कर दिया। यहां देखिए मंत्रिमंडल मंत्री का या मंत्रियों का मंडल मंत्रियों का मंडल। इसी प्रकार राजसभा राजा की सभा, अधिकार लेते हैं डिब्बा बंद, डिब्बे से बंद या डिब्बे पे बंद या डिब्बे पर बंद। आप में से कुछ कह सकते हैं डिब्बे पे डिब्बे पर, अधिकरण तो है। में पे पर में भी सही क्या है,
इनमें भी सही है, डिब्बे में बंद, डिब्बा बंद फल कभी नहीं सकते। यहां लिखा जग हंसाई, जग की हंसाई या जग में हंसाई, जग में हंसाई, जग में हंसाई। इसी तरह उदाहरण आ समाचार पत्र सर्वोत्तम मैं समझता हूं माध्यम रहेगा अभ्यास के लिए। आपको हर विषय से संबंधित शब्द मिलेंगे, उनमें आप नियम ध्यान में रखकर विग्रह करने की, समस्त पद बनाने की कोशिश करेंगे। निश्चित रूप से आपको परफेक्शन हासिल होगी, निपुणता हासिल होगी। आप देखिए वाक चातुर्य वाणी में, वाक चातुर्य वाणी की चतुराई या वाणी में, लोग बोलने के एक्सपर्ट होते हैं या बोलने में, वाक में चातुर्य या चतुराई, समान अर्थ वाला शब्द यदि आपको आता है बोल दीजिए, वाणी में वाक यानी वाणी में चतुराई। सचिन तेंदुलकर भारतीय क्रिकेट जगत के हरफन मौला खिलाड़ी हैं। हर फन, फन यानी गुण, हर यानी हर गुण में मौला, या हर फन में मौला, या हर गुण में माहिर। इज अ गुड बैट्समैन, गुड बॉलर, गुड फील्डर, गुड कैप्टन, हर गुण में माहिर। तो आप उदाहरण करेंगे, निश्चित रूप से यह आपको समझ में आएगा। एक और ले लेते हैं, भूत बलि, भूत की बलि या भूत के लिए बलि जिंदा भी दी जाती है, तो भूत के लिए या भूतों के लिए बलि। नगर में आज घुड़दौड़ का आयोजन होगा, घुड़दौड़ घोड़े की दौड़ या घोड़ों की दौड़, घोड़ों की दौड़। विभक्ति चिन्हों का लोप है, सही विभक्ति चिन्ह यदि हम लगाएंगे समास विग्रह होता ही चला जाएगा। हवन सामग्री, हवन के लिए सामग्री, अनेक उदाहरण। इसी प्रकार समास के आगामी सत्रों में कर्मधारय, द्विगु, द्वंद्व और बहुव्रीहि समास को लेकर चर्चा करेंगे, उनके उदाहरणों के बारे में और अधिक विस्तार से बात करेंगे। धन्यवाद।